चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स वाई जेड पार्टनर है, था ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16 में एक्स वाई जेड पार्टनर है 3:2:1 में, 31 दिसंबर 2010 को क्या हो रहा है, एक्स रिटायरमेंट ले रहा है, ध्यान देना। एक्स रिटायरमेंट ले रहा है तो एक्स का पैसा उसे निकालते हैं, और क्या लिखते थे हम लोग, एक्स लोन अकाउंट लिखते थे अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो, ठीक है। चलिए आगे देखना, द अमाउंट ड्यू डेट ऑन हिम ऑन दैट डेट वॉट रुपीज 20,000 रुपीज पेमेंट करना है। इट इज एग्रीड दैट दिस शुड बी पेड बाय एन्युटी फॉर ₹3,000। हर साल हम लोग 3,000-3,000 रुपये पेमेंट करेंगे, एन्युटी मतलब वार्षिक, हर साल क्या करेंगे 3,000-3,000 रुपये हम लोग पेमेंट करते जाएंगे, और जितना भी बैलेंस बचेगा उसका एक साल का 6% इंटरेस्ट देंगे, 6% पर एनम, ठीक है। ऑन 1st जनवरी हर साल कब देना है, 1 जनवरी को पेमेंट करना है, तो 31 दिसंबर के बाद, मतलब दिसंबर 31 दिसंबर है, ऑन 31 दिसंबर 2010 के बाद एक दिन बाद क्या आता है, 1 जनवरी 2011 आता है। हाँ चलिए देखो बेटा, 2010 दिया हुआ तो हम लोग 2011 से स्टार्ट करेंगे, और बोला है कि एन्युटी सस्पेंस अकाउंट जो है 4 साल का बनाने बोला है, ठीक है। कितने साल का, 4 साल का हम लोग को बनाने बोला है, तो बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे एन्युटी। इधर ध्यान देना आप लोग, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, जैसे आप लोग 11th में डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़े थे ना, मशीनरी अकाउंट बनाते थे, सेम उसी तरह से बनता है, पर थोड़ा सा अपोजिट तरीके से बनता है। तो कैसे बनता है मैं आप लोग को सिखाता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। ये डेट का कॉलम हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम लोग, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम, फिर से डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट का कॉलम। इतना कॉलम आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये क्रेडिट हो गया अकाउंट का, और ये डेबिट साइड हो गया, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, क्लियर इतना कॉलम। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी 2011 से, क्योंकि 31 दिसंबर 2010 से खत्म हुआ है, तो 1 जनवरी 2011 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट या एक्स लोन अकाउंट जो भी है, वहां से लेके कितना रुपए लेंगे, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए ले लिए, ठीक है। कब, 1 जनवरी 2011, ठीक है, 1 जनवरी 2011, ठीक है, 1 जनवरी 2011 से स्टार्ट करेंगे। तुरंत क्या किया हम लोग, 3,000 रुपए हम लोग पेमेंट कर दिए, कितना पेमेंट कर दिए, 3,000 रुपए उसी दिन पेमेंट कर दिए, यहाँ पे 1 जनवरी 2011 को हम लोग पेमेंट कर दिए, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, कितना, 3,000 रुपए हम लोग पेमेंट कर दिए। 20,000 रुपए 3,000 पेमेंट करने के बाद साल भर बैलेंस कितना बचा, 17,000 बचा, ये 1 जनवरी 1 जनवरी, आज मुझे 20,000 देना था, मैंने 3,000 दे दिया, साल भर बैलेंस कितना था, 17,000 पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इंटरेस्ट, क्योंकि अगला पेमेंट कब होगा, 2012 में, फिर 2013 में, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 17,000 का कितना परसेंट, 6%, 17,602, मतलब 1,020 रुपए हमारा इंटरेस्ट आएगा, आया आंसर, ठीक है। आप लोग निकालना कितना है, 1,020, उसके बाद आप यहाँ पे टोटल कर दो, कितना आ गया ये, 21,020। टोटल क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों साइड का टोटल बराबर हो सके, इसलिए क्या निकालेंगे, बैलेंस, और अगले साल ट्रांसफर करने के लिए इधर लिखते हैं कैरिड डाउन, उधर आएगा ब्रॉट डाउन। इस साइड कैरी डाउन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस साइड मेरा टोटल कम आ रहा है, इस साइड का 21,020 आया, 21,020 में 3,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 18,020। इसको मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन लिखने से क्या हो गया, एक तो आपका टोटल बराबर हो गया, दूसरा चीज बैलेंस लिखने से टोटल बराबर हो गया दोनों साइड का, और कैरी डाउन लिखे तो मतलब अगले साल आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। ये कब आएगा, 31 दिसंबर 2011, और हमारा इंटरेस्ट भी आएगा 31 दिसंबर 31/12/2011 है ना, ये भी। अब इसके ये जो है हमारा साल का लास्ट हो गया 31 दिसंबर, इसके बाद ये साल इधर जाएगा, 31 की रात को हम लोग क्लोजिंग करके गए,
अगले दिन शॉप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2012 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 18,020 रुपए। अब इस 18,020 रुपए में, 18,020 रुपए में फिर से क्या करेंगे हम लोग, 3,000 रुपए पेमेंट करेंगे। तो क्या लिखूंगा उसको मैं, टू कैश अकाउंट डेट यही 1 जनवरी, क्योंकि हर साल हम लोग 1 जनवरी को पेमेंट करते हैं, 1 जनवरी 2012। अब 18,020 रुपए में 3,000 पेमेंट कर दिए तो कितना बचा, 15,020 रुपए बचा। कितना बचा आपके पास, 15,020 बचा ना। 18,020 में मैं 3,000 पेमेंट कर दिया तो कितना बचा, 15,020 बचा। इस 15,020 पे क्या निकालेंगे हम लोग, साल के लास्ट में 31/12/2012 में इंटरेस्ट निकाल देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 15,020 रुपए का 6% कितना आएगा बेटा, 901 दशमलव में कुछ आएगा। निकाल के देख लिया हम लोग, चलो यहाँ निकाल देते हैं, 15,020 × 6/100 जीरो जीरो कटा, 6 × 12 = 2 हासिल 1, 6 × 0 = 1 है ना, 6 × 5 = 30 = 0 कैरी 3, 6 × 1 = 6 और 3 = 9 जीरो है संख्या दशमलव, 901 रुपए 20 पैसा क्योंकि 2 के बाद दशमलव 2 जीरो दो संख्या लिखते हैं, 901 रुपए 20 पैसा। राउंड फिगर में कितना लिखूंगा इसको, 901 रुपए, 901 लिखा। अब मैं क्या निकालूंगा इस साइड, बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन ठीक है, 01 हो गया 18,921 में से 3,000 माइनस करूँगा कितना आएगा, 15,921। अब मेरा क्या हुआ, दोनों साइड का टोटल फिर से बराबर हो गया ठीक है, इसका डेट आ दूंगा 31 दिसंबर 2012। इसके एक दिन बाद क्या आएगा, इसके एक दिन बाद आएगा 31 दिसंबर 2012 के एक दिन बाद आएगा 1 जनवरी 2013 बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन को मैं क्या लिखूंगा इसको, सेम टू सेम यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 15,921। इसमें से फिर से मैं 3,000 माइनस करूंगा, टू कैश अकाउंट कब, 1 जनवरी 2013 ठीक है। अब 15,921 में 3,000 माइनस कर दो, 12,921 रुपए, 12,921 रुपए का 6% इंटरेस्ट निकालेंगे ठीक है, 31 दिसंबर 2013 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 15,921 में 3,000 कितना बचा, 12,921 का 6%। चलिए यहाँ पे निकालते हैं 12,921 का 6%, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 कैरी 1, 6 × 9 = 54, 1 = 55 कैरी 5, 6 × 2 = 12 और 5 = 17 कैरी 1, 6 × 1 = 7 या 2 जीरो है यहाँ पे, 2 के बाद डेसिमल, 775 रुपए 26 पैसा आया ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउंड फिगर में 775 रुपए ठीक है, डेसिमल के बाद पहली संख्या 5 या 5 से ज़्यादा तो बढ़ा देते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे 0.2 था यहाँ पे 0.2 है तो ऐसे दे दीजिए, फिर से टोटल करेंगे और यहाँ क्या निकालेंगे, बैलेंस। अब बैलेंस फिर क्या होगा अगले साल, फिर से ट्रांसफ़र होगा, चौथे साल का आप लोग बना लेना ठीक है।